बचपन साथ रखिएगा जिंदगी की शाम में। जी हाँ, बचपन साथ रखिएगा जिंदगी की शाम में, उम्र महसूस नहीं होगी सफर के मुकाम में। अब हमारे बचपन को याद करते हुए हमारे टीचर्स आप सभी के सामने अपने बचपन के कुछ पल एक ड्रामे के रूप में लेकर आ रहे हैं, तो हम सभी तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। लकड़ी की काटी काटी कोरे की जंते तुम्हारा दौड़ा 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 तो आज के पराठे लाया हूँ। आशीष आशीष आज तो बैठे घर आइए, बैठे घर आइए। अरे वाह, जिन्हों का बैठे टॉफी मिलेगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? फाइन मैम। ऑल आर फाइन? Thank you, man. टकरा जाए तो क्या होगा? मैम,
टंग टंग की आवाज आएगी, क्योंकि ये दुनिया पिक्टल की, ये दुनिया पिक्टल की, और भी डाल में सोने दी, मैं भी डाल में सोने दी। संगी बेटा स्टैंड अप। यस मैम। वेरी गुड गर्ल, गिव आंसर। यस मैम। बताओ पांच में से पांच घटाने पर कितने बचे? मालूम पता तो है, आपने कल बताया था। हमें नहीं पता। वेरी गुड। देखो मैं बता रही हूँ, यदि आपके पास पांच छोले पांच भटूले हैं, yes. और वो पांच भटूले मैंने आपसे ले लिए, तो आपके पास कितने बचे? छोले। कुछ नहीं बना। नेक्स्ट, चंपा कॉपी से देख के मुझे आंसर बताया है ना? कमियां तो फिर आंसर कैसे मालूम, कैसे देख के बताया? मैम कसम से मैंने अभी आपको देख कर बैठा। मैम तो बंद कर बोल दिया, मैम तो बंद कर बोल दिया, बंद बंद कर बोल दिया। पीहू। Yes, ma'am. बताओ बेटा, छोटी बड़ी मधुमक्खी तुम्हें क्या देती है? मैम छोटी मधुमक्खी वो तो शहद देती है। पक्का? हाँ मैम। और पतली बकरी? मैम पतली बकरी दूध देती है। और जो वो मोटी सी भैंस रहती है वो तुम्हें क्या देती है? मैम वो यही बैठा था। यस मैम मैं भी यही बैठा था। नो आशू अपनी प्लेस पर। दीपू। नो मैम मैं आपने यहाँ बिठाया था। आप वहाँ बैठे थे। आशू अपनी जगह बनाओ। चलो घर की परिभाषा कौन बताएगा? चलो बताओ। मैंने तो घर की इतनी बड़ी परिभाषा याद की है, बताओ। हाँ बेटा बताओ। मैं जो हौसलों से बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं हाउस, और ना मैम जिनमें बहुत ठंडी 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 हवा आती है उन्हें कहते हैं हवेली। और बता मैं जो मकान वो लोन लेके बनाए जाते हैं ना, और उनके इंस्टॉलमेंट चुकाते चुकाते आदमी लेट जाता है उसे कहते हैं फ्लैट। हाँ मैं औषधी अभी और परिभाषा, जिन घरों में काम होता है पूजन होती है हवन होता है उसे कहते हैं होम। और बता मैं एक और दी, जिस घर में किसी को पता ही ना कि हमारे बगल में कौन रह रहा है, यहाँ कौन रह रहा है, क्या हो रहा है उसे कहते हैं बंगला, और जहाँ कोई भी नहीं रहता उसे कहते हैं भूत बंगला। वेरी गुड। अरे चमेली तुम तो पढ़ाई करके आने लगी। वेरी गुड। नेक्स्ट
विशु आयु यस मैम। चलो मुझे बताओ, तुमने कभी कोई नेक काम किया है? यस मैम। कौन सा? मैम एक बार ना एक दादाजी धीरे धीरे सड़क पार कर रहे थे, तो मैंने उनके पीछे कुत्ते दौड़ा दी। वेरी नॉटी गर्ल। पतंजलि मैम आपको पता है इसका फेवरेट हीरो है बाबा रामदेव। पतंजलि बताओ, अगर कोई स्कूल के सामने बम रख जाए तो तुम क्या करोगी? मैम पहले तो एक घंटा देख लेते, तो दे दिया तो अच्छी बात है, बनना उसके बाद हो जाता है। वेरी नॉटी गर्ल, सिट डाउन। नेक्स्ट लंबू बेटा, किसी को चढ़ाना नहीं पड़ता। लंबू वेरी गुड। मैम ये खड़े खड़े करके जाले साफ कर लेता है। चलो बेटा बताओ, अगर एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ अक्ल मिले तो तुम दोनों में से किसे चुनोगे? मैम तो पैसों को चुनूंगा। कैसे? मैम जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो उसे ही मिलता है। वेरी नॉटी बॉय। नेक्स्ट आशु स्टैंड अप। यस मैम। बेटा कल मैंने कुत्ते पर निबंध लिखने दिया था, क्या तुम वो लिखकर लाए हो? मैम कुत्ते पर निबंध? मैं गया तो था कुत्ते पर निबंध लिखने, पर जैसे ही मैंने उसके ऊपर लिखा वो भाग गया। डिस्टर्बिंग द क्लास। मुर्मून बताओ बेटा, यस मैम, ऐसी कौन सी कली है जो कभी नहीं खिलती? कली मैम चिकनी। दीपू स्टैंड अप। ऑलवेज बिजी टॉकिंग ओनली। नो मैम। यस नो मैम। यस स्टैंड अप, गिव आंसर। यस मैम। मुझे बताओ, अगर तुम्हारी पैंट की एक जेब में 1,000 रुपए है और दूसरी जेब में भी 1,000 रुपए मिल जाएं तो तुम क्या सोचोगे? मैं सोचूंगा आज मैं पापा की पैंट पहन आया हूँ। चलो मुझे सुनाओ जरा। ट्विंकल ट्विंकल
बेटा बता, एक टोकरी में 10 आम हैं और उसमें से 3 खराब हो गए, मीन सड़ गए, तो आपके पास कितने आम बचेंगे? 10। गलत। कैसे 10? जी गए वो भी तो आम ही थे, सड़ गए वो तोड़ने के लिए बन गए। वेरी नॉटी ड्रम से डॉन योर ब्रेन। चलो बैठो। हे भगवान, कुछ नहीं हो सकता इन बच्चों का, मैं तो पढ़ा पढ़ा के थक गई, अब तो मैं बिल्कुल इन लोगों को नहीं पढ़ाने वाली, मैं तो जा रही हूँ स्कूल छोड़ के, मुझे बिल्कुल नहीं रहना यहाँ। प्लीज मैम आप मत जाइएगा मैम, हम सब मस्ती कर रहे थे मैम। मैम आप मत जाइए, आपने तो सिखाया है, आपने सिखाया है कि हम बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं, ऐसे हमारे घर आए हुए अतिथि का, हमारे घर आए हुए अतिथियों का स्वागत कैसे करते हैं, अपने बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं, बुजुर्गों की सेवा कैसे करते हैं। मैम आप प्लीज मत जाइएगा, सॉरी मैम। मैम मैम जब मैं छोटा था ना तो आप मुझे उंगली पकड़ के स्कूल में लेके आई थी, आपने मुझे का खा घा सिखाया और ABCD भी सिखाई, आप मत जाइए मैम, आप बहुत अच्छी हैं। मैम आप ही ने तो हिंदी की हैंडराइटिंग सुधरवाई है, मैं पत्र में पुच्छ पिताजी की जगह पुच्छ पिताजी लिखती थी, वही आप ही ने तो सुधरवाया मैम। मैम प्लीज मत जाइए मैम। सॉरी मैम सॉरी मैम, एक बार मैं ना मैम लंच नहीं लाया था, आपने मुझे अपना लंच दिया था मैम, सॉरी, नहीं जाइए ना मैम प्लीज। मैम एक बार ना मेरी ना फीस नहीं भरी थी तो आपने मेरी फीस भरी थी। सॉरी मैडम अब हम नहीं करेंगे शो, लेकिन बच्चे ना खेले तो जाएंगे गो। बस करो पगलू, बस रुलाओगे क्या मुझे, आ जाओ आ जाओ। मैं मान गई मैं मान गई मैं मान गई मैं मान गई। हाँ अब जाएगी रीमू अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल।